हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कहो कैसे हो आप सब। मैं प्रिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीन ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी सुबह की शुरुआत हो गई है। हाँ जी, सुबह की शुरुआत हो गई है। हम ब्रश करके आ गए हैं और खाने जा रहे हैं पेठा, जो कि मेरा ऑल टाइम बचपन से फेवरेट है। पेठा खा खा के मैंने पूरे दांत अपने सड़ा लिए हैं। किस किस को पेठा पसंद है बताना जरूर, हमें तो हद से ज्यादा पसंद है। तो पेठा खा के पानी पीते हैं, इसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। जाते हैं नहाने, पानी पी लें, चाय पी लें, इसके बाद नहाएं क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है। आप लोगों को दिखाएंगे अपना काम। सो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही थी कॉफ़ी, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। एक महीने से मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन कॉफी पाउडर, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया हुआ था। उनको मेरे वीडियोज़ के थ्रू पता चला कि मैं चाय काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, तो उन्होंने बोला प्रिया चाय कम पिया कर, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो एक काम कर, तू कॉफ़ी पाउडर एक है मैं बताती हूँ, तू उसे पिया कर, वो अच्छा रहता है। तो मैंने एक ऑर्डर किया था आज से एक महीने पहले, उससे ज़्यादा की बात हो गई। तो वो तो ऑलरेडी ओपन हो गया था। जगदीप ने बोला कि हम लोग दीपावली घर पे सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर हमने एक और ऑर्डर कर दिया। आज से 5-6 दिन पहले ही मुझे रिसीव हो गया है। मैं न्यू हर्ब्स का ही ग्रीन कॉफ़ी पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा रिव्यू शेयर करूँगी, इसे बनाना कैसे है ये भी बताऊँगी। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा। अगर आप मेरी तरह चाय के दीवाने हो, आपको हर 10 मिनट में चाय चाहिए ही होती है, तो आप उसकी चाय की जगह इस ग्रीन कॉफ़ी पाउडर को यूज कर सकते हो। या रोस्टेड आर्बिका कॉफ़ी बीन पाउडर है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसे बनाना काफ़ी सिंपल है, दो तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ एक मेथड शेयर करूँगी। आप ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, जब भी आप इसे लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। इसके जितने भी इन्ग्रीडियंट हैं सभी यहाँ पीछे मेंशन है। सो चलो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी और मैं अब इसकी आदी हो गई हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए होता है न्यू हर्ब्स का ग्रीन कॉफ़ी अनरोस्टेड अरबिका कॉफ़ी बीन पाउडर है ये, तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। ओपन कर दूंगी तो रिव्यू, अभी ये देखो मैं ओपन कर ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि अगर ओपन कर दूंगी रिव्यू देने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ, फिर ओपन करती हूँ, फिर बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है न्यू हर्ब्स का ग्रीन कॉफ़ी अनरोस्टेड अरबिका कॉफ़ी बीन्स पाउडर, हैशटैग जमाना है हेल्थी का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको। नेटवेट आपको 200 ग्राम मिलता है। आस्क एन एक्सपर्ट यहाँ पर आपको नंबर भी दिया हुआ है। तो चलो हम बना लेते हैं कॉफ़ी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 स्कूप कॉफ़ी पाउडर लेना है। इसके बाद आपको 150 ml वाटर या फिर 200 ml वाटर लेना है। मैं यहाँ पर 150 ml वाटर लूँगी। मेरा अंदाज़ा, मेरी जो एक ग्लास है ना वो 100 ml की है, तो मैं एक ग्लास और हाफ ग्लास पानी 1 स्कूप कॉफ़ी बीन में डाल दे रही हूँ, ये देखिए। इसके बाद 50 ml वाटर ये है, तो मेरा 150 ml हो गया। अब इसको आपको ना बॉयल कर लेना है 10 से 15 मिनट तक, वो भी मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पर पैन रख दिया हुआ है। अब इसमें आपको डाल देना है, 10 से 15 मिनट तक बॉयल कर लेना है। मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया क्योंकि 10 से 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, जैसे ही कॉफ़ी का कलर चेंज हो जाए, 15 मिनट हो जाए, तो आप गैस बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हो, देखिए। अभी ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसके बाद हम इसको छान लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे हनी, जो कि घर की है, ये देखिए घर की है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, नेचुरल है ये। हमारे यहाँ ना मधु निकालने वाला जो आता है तो उसी से ले लिया जाता है, हमारे गांव में ही है, तो वो बिल्कुल भी मिलावट नहीं करता है। तो आप चाहे भी तो इसमें हनी डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा दालचीनी टेस्ट के लिए आप डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिठास के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालूंगी हनी। तो चलो जल्दी से हम बना के इसे पीते हैं, इसके बाद चलते हैं और आगे की जो प्रिपरेशन है, जो कुछ बनना है कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉफ़ी निकाल ले रहे हैं और हनी मिक्स कर दे रहे हैं। ये रही मेरी ग्रीन कॉफ़ी, कितना मैच कर रहा है ना, मेरी ड्रेस भी ग्रीन, कॉफ़ी भी ग्रीन। हेल्थ के लिए अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहें तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिए। अफोर्डेबल रेंज की कॉफ़ी है। ग्रीन कॉफ़ी के बारे में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड ने ही मुझे रिकमेंड किया था,
कि हेल्थ के लिए अच्छा है तो ले लो, और मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक कर लीजिए। बाय, मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। मैं कॉफ़ी पी लूँ, बात करने के चक्कर में कॉफ़ी इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो अब चलो हम बना लेते हैं हमारी सब्जी। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ ली गई है, टमाटर भी लिया गया है, और हमें बनाना है कोहड़ौरी की कचौड़ी। तो यहाँ पर हमने कोहड़ौरी ऑलरेडी भिगो के रख दी हुई है, यही अंदर भरी जाएगी कोहड़ौरी। आप लोगों को पता है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब सबसे पहले हम प्याज को काट ले रहे हैं, भाभी काट रही हैं, हम नहीं। प्याज अलग से, प्याज लहसुन मिर्ची का अलग से पेस्ट बनेगा, प्याज लहसुन मिर्ची अदरक का और टमाटर का अलग से। तो टमाटर भी भाभी काट ले रही हैं, ये देखिए। इसके बाद इन सबको अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर टमाटर पीस लिया गया है, प्याज है ये, और यहाँ पर ये देखिए टमाटर है। अब चलो पनीर काट लेते हैं। तो पनीर कौन काट रहा है, देखिए चंदन, मार्केट से पनीर आई है और मटर आई हुई है, तो चंदन काट रहे हैं पनीर। सबसे पहले इसको धुल लेते हैं, इसके बाद काट लेना है। और यहाँ पर भाभी कोहड़ौरी वाली कचौड़ी भर रही हैं, क्योंकि मैं नहीं भर पाती हूँ। आप लोगों से मैंने कई बार भी बोला हुआ, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी नेल एक्सटेंशन की वजह से। और मैंने मेरे यहाँ पर बाबू के बर्थडे से पहले जो मेरी कुक हैं उनको फिर से बुला लिया है कि आप आ जाओ, तो इसलिए मैंने नेल एक्सटेंशन करा लिया था और फिर घर आना पड़ा। इस बार दीपावली हम लोग गाँव में नहीं मनाते, लखनऊ में ही मनाते। फिर ये हुआ, पापा बोले कि नहीं साल साल भर का त्यौहार है, घर पर ही मनाओ, तो हम लोग इसलिए घर चले आए। तो भाभी यहाँ पर भर रही हैं और मैं तल रही हूँ, तो यहाँ पर मैं भी कर रही हूँ, भाभी भर भर के दे रही हैं। तो फैमिली जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ, आज मैंने सूट डाल लिया है, उसके पीछे एक कहानी है। सूट नेहा ने पसंद किया होगा और नहीं रख के लेके भी आई थी। मैं सूट पहनी हूँ, भाभी को देखो साड़ी, बड़ी चलाकी कर रही हैं भाभी। चंदन को देखो क्या कर रहे हैं, मटर भिगो के बैठे हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि बनने वाली है मटर पनीर। और भाभी जाने वाली हैं अपने मायके, हाँ तो चलो हम जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं। सूट इसी लिए डाले हुए हैं क्योंकि आप सभी को तो पता है घर पे काम चल रहा है। देखो इतनी सारी मिट्टी गिट्टी सब ऐसे फैला पड़ा हुआ है, इसीलिए कि चलते टाइम भाभी के साथ हम भी जा रहे हैं भाभी के मायके। क्यों भाभी, मायके लेके चल दी उन्होंने, ले चल रही हैं भाभी। तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले सूट पहन लेते हैं, आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो भाभी हम बना लेते हैं, एक में सब्जी एक में ना पूड़ी, दोनों में जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि लेट हो गया है, 1:30 बज गया है, इतनी ज़्यादा ठंडी है पता ही नहीं चलता टाइम का। भाभी आज साड़ी वाली, आज साड़ी वाली भाभी हो गई हैं। भाभी अभी आपने अपना बाल नहीं दिखाया सबको, भाभी ने अपना बाल भी कट करा लिया है, लेकिन वो वीडियो आपको प्रियादीप पे देखने को मिलेगी। इतने लंबे लंबे भाभी के बाल थे और मेरे छोटे छोटे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा इनका भी कट करा दूं, क्यों भाभी। चलो मैं आप लोगों से बात करती हूं। तो वहाँ पर भाभी कलौजी भर रही हैं, कलौजी याद आ रही है मुझे, कलौजी बनवा लूँ क्या, कचौड़ी भर रही हैं। अब मुझे कलौजी खाने का मन कर रहा है, अब जल्दी कलौजी बनेगी। और मैं यहाँ पर तेल डाल के बैठी हूँ कढ़ाई में, तेल गरम हो रहा है, और तेल गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें कचौड़ी डालूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने एक छोटी सी पूड़ी डाली देखने के लिए गरम हुआ है कि नहीं। यहाँ पर मैं व्हाट्सअप भी चेक किए जा रही हूँ सबका, और एक मेरी बुआ है उनसे मैं बात कर रही हूँ कि पूछ रही हूँ मेला देखने चलोगे। उस दिन हमारे घर का मेला था, हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जाएँगे जाएँगे मायके, और नहीं जा पाए, मतलब सच में इतना ज़्यादा उदास हो गए, कुछ बता नहीं सकते आपसे। लेट हो गया लंच बनाने में ही, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो यहाँ पर अच्छा, किस किस को कोहड़ौरी की कचौड़ी पसंद है बताना, हमें तो हद से ज़्यादा पसंद है, स्पेशली चाय के साथ अगर आप खाओ ना, तो माय गॉड टेस्ट जो आता है ना, कि अभी देखो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बात किए जा रही हूँ बुआ से, और कचौड़ी भी तले जा रही हूँ। अभी हो गया कचौड़ी, इतनी ही बननी थी कचौड़ी, हमारी बन गई। इसके बाद एक घान कचौड़ी रह गई थी, तो भाभी, हाँ कोई बुला के लाया दीप को कि चलो सब्जी बनाओ, तो आज दीप सब्जी बना रहे हैं। और फिर बाबू रोने लगा तो मैं चली गई,
फिर मेरे बड़े वाले भैया जेठ जी वो आके पूड़ी, कुछ पूड़ी मैंने निकाली हुई है आप देख सकते हो, फिर आके जेठ जी पूड़ी निकाल रहे थे और दीप सब्जी बना रहे थे। सब्जी अभी यहाँ पर क्या सिर्फ पनीर फ्राई करने जा रहे हैं, उसके लिए तेल देख रहे हैं, देखो पनीर फ्राई हो रहा है, दूसरे साइड में मैं पूड़ी तल रही हूँ क्योंकि लेट हो गया था हम लोगों को, हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी काम कर लें, हमें हमारे मायके मेला देखने जाना है और भाभी को ले चले। देखो हम गए तो यहाँ पर जेठ जी आ गए, जेठ जी के पाँव में देखो चोट लगी हुई है, दीपावली के दिन लग गई थी चोट इन लोगों को, इनको नंदन को, और हम लोगों को बताए ही नहीं, दूसरे दिन हम लोगों को बताए। तो यहाँ पर पनीर फ्राई करके निकाल ली जा रही है एक टिशू पेपर लगा के, ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो टिशू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अब चलो बना लेते हैं हम सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर जीरा डाला गया है, तेल गर्म हो गया था तो उसमें जीरा डाल दिया गया है, और यहाँ पर अब भाभी पूड़ी निकाल रही है। सोचो कितने जन पूड़ी के चक्कर में आए, बाबू चुप ही नहीं हो रहा था तो मैं बाबू जी को चुप करा रही थी, कुछ देर जेठ जी पूड़ी निकाले हैं, फिर जेठ जी से मिलने को ही आ गया, फिर भाभी निकाल रही हैं और दीप यहाँ सब्जी बना रहे हैं। तो सबसे पहले जीरा डाल दिए, इसके बाद क्या डाले हैं, ये क्या है, शायद हींग डाले हैं थोड़ा सा, शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर प्याज मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, जो कि घर पे ही मिक्सी में पीसा गया है, मिक्सर यानी। तो इनको अच्छे से, इतना ज़्यादा तेल डाल दिए हैं सोचो तो प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, गोल्डन कलर में नहीं हो जाएगा तब तक प्याज पकाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब इसमें डाल देना है टोमेटो प्यूरी। देखिए प्याज नीचे से लग रही है, प्याज लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट है ये, देखो कितने अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, नीचे कढ़ाई के नीचे नीचे आप देखो तो ऑयल लग रहा है, छोड़ रहा है। अब इसमें आपको टोमेटो प्यूरी डाल देनी है। अब दीप भी उब गए, वो भी हटके चले गए, फिर मैं आ गई बनाने मतलब कोई पूरा काम नहीं कर सकता है, जो औरतों का काम है उनको करना ही पड़ेगा। ये देखो अभी टमाटर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो मैं आगे, दीप ने क्या किया, सिर्फ फ्राई करके पनीर निकाल दिए, इसके बाद थोड़ा सा प्याज पका दिए, इसके बाद मैं कर रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, जैसे यह है धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, इसमें इलायची पाउडर है, लौंग पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च, ये सब मिला जुला के पीसा गया था घर पे, तो इससे ना पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है सब्जी की, पनीर की सब्जी की। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे, ये थोड़ा सा ना मार्केट वाला गरम मसाला है, अब इसमें हम डाल देंगे पनीर जो डीप फ्राई है, कितना सारा तेल देख रहे हो निकला है, सरसों के तेल में फ्राई की गई है तो इसलिए येलो येलो दिख रहा है। तो बस अच्छे से मिक्स करना है, इसके बाद आपको डाल देना है मटर। यहाँ पर चंदन आ गए थे, चाची एक कचौड़ी दे दो, तो मैं वही कचौड़ी निकाल के उनको दे रही थी, अब मैं मटर डाल दूँगी इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है, अब आपको पानी डाल देना है, थोड़ा सा मसाला मिल जाए, घुल मिल जाए आपके मटर में, तब पानी डालना है, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। पनीर की सब्ज़ी हमारे यहाँ सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए पानी ज़्यादा डाल रहे हैं हम। और आप लोग पनीर किस चीज़ से खाना पसंद करते हो, पूड़ी से, रोटी से, या फिर चावल से? हमारे यहाँ रोटी से और चावल से सब ज़्यादा खाते हैं। तो अब इसको हम ढक दे रहे हैं, ढक के पकाएंगे। ये देखो उबाल आने लगी, इतना ज़्यादा तेल आप देख रहे हो, इसमें मैं थोड़ा सा कौन सी मिर्ची होती है, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी कौन सी होती है मुझे नहीं याद है, तो उसे डाल रहे हैं। इसके बाद आपको नमक डाल देना है, भाभी यहाँ पर ढक रही हैं, नमक डाल के आपको पकाना है। ये देखिए कुछ देर और पकाएं, इसके बाद आपकी सब्जी रेडी है, धनिया पत्ती डाल के बंद कर दें। ये देखिए आपकी पनीर कितनी ज़्यादा जूसी लग रही है, बंद करने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला आप डाल दें। तो यहाँ पर आपकी सब्जी बनके रेडी है खाने के लिए। सो फैमिली अभी शाम के, आप देखिए
इतना टाइम हो गया है काम करते करते, अब हम लोग फ्री हुए हैं तो चल रहे हैं लंच करने। इतनी रात, इतनी शाम को गांव में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा नहीं फिर भी काफ़ी ज़्यादा, आप देखेंगे तो हो जाता है। अभी चलेंगे छत पे तो दिखाएंगे। हमारे मायके जाने वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, लेकिन भाभी के मायके जाना है तो कर लूँ, खा पी लूँ, सब्जी पूड़ी कचौड़ी चावल। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सब्जी चावल और पूड़ी एक कचौड़ी ली हुई थी जो मैं खा रही हूँ, ये देखिए बड़े मज़े से। लो सारा प्लान कैंसिल हो गया, अंधेरा हो गया है काफ़ी ज़्यादा, शाम के बज गए हैं ये देखिए 4:45 आप बोल सकते हैं, 4:48। तो दीप ने कहा कि अब कब चलोगे, भाभी के यहाँ कब जाओगे, कब आओगे, तो अभी टाइम सही नहीं है। दीप ने मना कर दिया कि कल सुबह निकलेंगे, कल सुबह चलेंगे भाभी के घर, सारा जो भी करना है वो सब कुछ होगा। परसों हमारे यहाँ प्रोग्राम है ससुराल में, गाँव वालों को खिलाया जाएगा, तो किस खुशी में प्रोग्राम है तो आपको परसों पता चलेगा। नेहा आई जा, बोरा लेके, ऐसे बोरा ऐसे मुंह बनाए हैं, आओ। सब बोलते हैं नेहा आपसे खूबसूरत लगती है, तो है ही, आ जाओ नेहा, सफाई में जुटी हुई है अभी, आ जाओ, ये लो आ गई, सच में खूबसूरत लग रही है नेहा। हाँ, तुम ये बता दो, सबसे झूठ क्यों बोलती हो तुम? बोलती हो तुम्हें लखनऊ अच्छा लगता है और लखनऊ में जाके तुम रोती हो, क्यों क्यों रोती हो? सबके सामने नहीं रोती, चुपके से रोती है ना, क्यों रोती हो? कभी कभी ऐसे मम्मी की जब याद आती है। तुम्हारे पास मोबाइल रहती है, वीडियो कॉल कर लो, मम्मी के पास भी तो मोबाइल है। सोच रहे हैं कि यहाँ घर पे ताला बंद कर दे, सबको लेके चले, दादू कहाँ मानते हैं, दादू से ज्यादा भाभी बोलती है, अरे जो गाय भैंस है सब कुछ है, भाभी कहीं गई है, हाँ गाय के पास ही गई है। तो हम सोच रहे हैं व्लॉग लंबा हो गया, सो इस व्लॉग का हम एंड करें, इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है काफी अच्छा होने वाला है। हम चल रहे हैं हमारे इस नए घर को नहीं, इस घर को सजाने। हाँ है तो पुराना ही घर, थोड़ा सा चेंज हो गया अभी, इतना चेंज हुआ आप लोग देख रहे हो, इसके बाद जब पूरा चेंज हो जाएगा तो कितना अच्छा लगने वाला है ना। चल रही हूँ अभी पूजा करना है, शाम के 6 बजे पूजा होगी, इसी रूम में भगवान जी की ये जो चौकी आप देख रहे हो ना, हमने करवा चौथ के लिए ली हुई थी पिछले साल, आपने करवा चौथ ब्लॉग देखा होगा तो उसमें है। आते टाइम इस चौकी को लेके आए हैं कि घर पे पूजा सुननी हो, कुछ भी करना हो तो छोटी सी चौकी रहती है वो सही रहती है। तो अभी मैं चल रही हूँ सब कुछ साफ करूंगी, इसके बाद इस घर को दिए से सजाऊंगी, तो वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है, सो मैं सोच रही हूँ एंड करूँ। दीजिए ज्यादा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, बाय कर लो बेटा, बाय। दिख नहीं रहा है, हाँ अब बाय करो, बाय, देखो पैर में चोट लगी है, बाय।